Now we come to the bag exercises of the chapter 2. Take the best choice. First is a body can be at a rest relative to some object, at a motion relative to some object, both A and B, none of these. तो बच्चे a body किसी object की, अब इसका मैं थोड़ा सा आपको example देता हूँ. मान लो बच्चे आप ना कोई मतलब आप और आपका friend scooter पे जा रहे हो, ठीक है. अब आपका friend आपके पीछे बैठा है और जैसे ही आप बस स्टैंड से गुजरे हो ना, बस स्टैंड पे आपके टीचर मैं खड़ा था, मान लो जीवन ज्योत सर खड़े थे. अब मेरे अकॉर्डिंग जो आपका फ्रेंड आपके पीछे बैठा है वो किस में है, मोशन में है. लेकिन आपके अकॉर्डिंग वो अब आपका जो फ्रेंड है आपके पीछे बैठा वो किस में बैठा है, रेस्ट पे बैठा है, क्योंकि वो तो मूव कर ही नहीं रहा. तो इसका मतलब कोई बॉडी किसी ऑब्जेक्ट की से रेस्ट पे भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है सेम टाइम. मतलब मेरे लिए आपका फ्रेंड जो आपके पीछे बैठा था वो मोशन में है, लेकिन आपके लिए जो आपका फ्रेंड पीछे बैठा वो किस में है, रेस्ट में है. तो इसका आंसर क्या आएगा, सी, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट इज एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट है बच्चे यूनिवर्स में, या तो वो रेस्ट में है या वो मोशन में है. तो इसका आंसर क्या आएगा, सी, एनी ऑफ ए और बी. इफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर वो सीधी लाइन में है तो हम उसको कौन सा मोशन बोलते हैं बच्चे, ट्रांसलेटरी, रेक्टिलिनियर, लीनियर, ऑल ऑफ दिस. बच्चे मैंने आपको रेक्टिलिनियर और लीनियर का तो बता दिया था कि उसको मतलब स्ट्रेट लाइन होता है. बच्चे ट्रांसलेटरी, रिमेंबर, ट्रांसलेटरी टू टाइप्स की होती है, एक होता है रेक्टिलिनियर या लीनियर, एक होता है कर्विलिनियर. मतलब कर्विलिनियर या रेक्टिलिनियर दोनों ही आपके ट्रांसलेटरी में आते हैं. तो हम इसको ट्रांसलेटरी भी बोल सकते हैं, रेक्टिलिनियर भी बोल सकते हैं, लीनियर भी बोल सकते हैं. तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट इज मोशन ऑफ द पेंडुलम, हमने बहुत बार कर लिया बच्चे. हम इसको देखो ऑसिलेटरी मोशन भी, वो ऑसिलेटरी मोशन अभी करा था हमने, बट रिमेंबर ऑसिलेटरी का ही दूसरा नाम है वाइब्रेटरी मोशन. तो इसका आंसर क्या आएगा, डी, एनी ऑफ बी और सी. देन इज मोशन ऑफ अ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, ये हमने पहले भी कर लिया, बहुत दो बार कर चुके हैं. ये कौन सा मोशन हुआ, ये हमारा है यूनिफॉर्म मोशन है. नाउ लेट्स डिस्कस द ब्लैंक्स. इफ अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अलोंग अ कर्व पाथ, कर्व पाथ जैसे वो कार वाला आया था, तो इसको हम कौन सा मोशन बोलते हैं, वी कॉल इट कर्वी लीनियर मोशन. उसको कौन सा मोशन बोलते हैं हम लोग, कर्वी लीनियर मोशन बोलते हैं. नेक्स्ट इज योर मोशन ऑफ अर्थ रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. जब कोई मोशन ऑफ अर्थ है, जैसे आपको अर्थ का मोशन क्या कर रहा है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहा है. मैंने आपको क्या बताया था, अगर तो मोशन सिंपली रिपीट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं रेपिटेटिव मोशन, है ना. अगर वो रेगुलर फिक्स टाइम के बाद रिपीट कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग अपना पीरियोडिक मोशन. अगर वो रेगुलर टाइम के बाद रिपीट नहीं कर रहा उसको बोलते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन. यहां पर कौन सा, वो इट इज रिपीटिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसको कौन सा मोशन बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे. देन इज व्हेन वी ब्रीथ आवर लंग्स रिपीटेडली, अब हम लोग अपने लंग्स को रिपीटेडली बार बार एक्सपैंड होती है, कंट्रैक्ट होती है, एक्सपैंड होती है, कंट्रैक्ट होती है, तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, रेपिटेटिव मोशन. कौन सा मोशन बोलेंगे, रेपिटेटिव मोशन. व्हील ऑफ अ रनिंग स्कूटर, अब अच्छे जो व्हील है उसका टायर है, अब देखो एक तो वो क्या है रोटेटरी, मतलब रोटेट भी करता है वो, फाइन, अपने रोटेटरी मोशन अपने एक्सिस के अलोंग सेंटर में फिक्स है, वो इस तरह से रोटेट करता है, और साथ में बच्चे वो स्ट्रेट सीधा भी तो जा रहा है ना, तो इसका मतलब उसके अंदर रोटेटरी के साथ साथ दूसरा कौन सा मोशन हुआ, लीनियर मोशन हुआ, क्योंकि वो टायर सीधा भी मूव कर रहा है हमारा साथ में. स्पीड का हमें पता ही है, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. स्पीड ये फॉर्मूला होता है, न्यूमेरिकल्स भी हमने करे हुए हैं और ये डेफिनेशंस भी हमने करी है. नेक्स्ट इज योर ट्रू फॉल्स. मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन सेम एवरीवेयर, मैंने बताया था किसी भी प्लैनेट में चले जाओ मास आपका सेम रहेगा, सो इट इज ट्रू. वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, फॉल्स. वेट आपका चेंज होगा, इक्वेटर पे डिफरेंट है, पोल्स पे डिफरेंट है, यूरेनस पे डिफरेंट है, मून पे डिफरेंट है. वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ फोर्स, ट्रू. वेट की डेफिनेशन ही मैंने ये आपको बताई है कि एक फोर्स है जिससे अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है. मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट, ट्रू. वेट इज मेजर्ड इन केजी, हमने डिफरेंस पे पढ़ा था, मास इज मेजर्ड इन केजी लेकिन वेट इज मेजर्ड इन न्यूटन. सो इसका आंसर ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा. अब नेक्स्ट है बच्चे आपके मैचअप्स. प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार, जब आप किसी स्ट्रिंग को प्लग करते हो तो उसमें वाइब्रेशन आ जाती हैं, तो वो कौन सा मोशन हुआ बच्चे आपका, वो आपका हो गया वाइब्रेटरी मोशन. बीटिंग ऑफ अ हार्ट बीट, हार्ट बीट फिक्स टाइम के बाद रिपीट करती है, तो इट इज योर पीरियोडिक मोशन. कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, सीधे रोड पे कार जा रही है, तो इट इज योर लीनियर या रेक्टिलिनियर होता है वो. कार मूविंग ऑन अ कर्व्ड रोड, अगर कोई कर्व आ जाता है तो उसको बोलते हैं कर्वी लीनियर मोशन.
I guess this chapter's exercises, question answers are very easy and everything is very clear to everyone. Thank you.